मैनपुरी के कवि मुरारी लाल दीपक का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गांव से लेकर दिल्ली तक के मंचों पर अपनी कविताओं की खुशबू बिखेरी और पूरी जिंदगी अमर शहीद इंटर कॉलेज के बच्चों को शिक्षा दी। उनके अंतिम विदाई में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। मुरारी लाल दीपक जी अमर शहीद इंटर कॉलेज देवर में बड़े ही लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे थे। उनका शिक्षण कार्य जो था वो बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छे हिंदी के प्रवक्ता के रूप में जनपद में विख्यात थे। नवासी में, सन 1989 में वह सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने कवि की लाइन पकड़ी और काव्य पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर में काव्य पाठ किया, छोटे छोटे मंचों पर, उसके बाद जनपद और मंडल प्रदेश स्तर पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया। बड़े ही सौम्य स्वभाव के देहांत के कि जैसे ही खबर नगर में आई तो नगर के समस्त प्रबुद्ध जनों में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी शव यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया और बहुत सी देवर की जो शिक्षण संस्थाएं थीं वो उनमें शोक संवेदना व्यक्त की गई। उनकी शोक संवेदना में लोगों ने बड़े ही अश्रुपूर्वक आंसुओं के साथ उनको अंतिम विदाई दी। बड़ी ही नगर में शोक की लहर दौड़ी। ऐसे सौम्य स्वभाव के व्यक्ति दीपक जी जो हैं वो थे और उनका जो है पूरा नगर बड़े ही गंभीर माहौल से उनकी विदाई दी।